सीन हो गया यार, वो क्या कर रहे हो ये, मार क्यों रहे हो उसको? बचाओ बचाओ मोटू भाई, छोड़ो, क्या कर रहे हो यार? इंडिकेटर टूट गया यार, ये कैसे टूट गया? ओ भाई शिट, धुआं निकल रहा बाइक से। हाँ 20-30 हजार का तो होगा आराम से। ओ भाई भाई यार, हेलो गाइस, राम राम सभी को, कैसे हो आप सब? आई होप सब बड़ी अंदर होने भी चाहिए। तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज आपका भाई ऐसे मतलब कोशिश कर रहा है कि डेली ब्लॉग आपके लिए कर पाए, तो सारे भाई अपना वेट कर रहे हैं, फिर निकल रहे हैं हम। पता ही होगा आपको कहाँ जाते हैं रोज सीधा, तो आज हमने तगड़ी वाली ग्राइंड करनी है। तो चलो गाइस फटाफट से घर से निकलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा बाइक पे। सो गाइस ये चेक कर लो, यहाँ पे लगे अपनी S1 RR, उसको कर देते कोल्ड स्टार्ट। और यहाँ पे आ रहा भाई की ये इसका पेट्रोल खत्म होने वाला है, जल्द पेट्रोल पंप ले चलो। और यहाँ पे चेक करो भाई, भाई आए हम अपने। सौरभ भाई क्या हाल है आपका? हाँ ओ चलो आप भी। ये देखो भाई, भाई की रिकवरी मोड चल रहा है, तो अभी भाई आया था फिजियोथेरेपी वगैरह कराने। तो चलो गाइस फटाफट से निकलते हैं, इधर चेक करो अर्जुन भाई, अर्जुन भाई ने भी आई GoPro 12 ले लिया, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई को। तो चलो गाइस फटाफट चलते हैं। सो गाइस फाइनली बाइक को कर दिया कोल्ड स्टार्ट, और आज ना मैंने टीवी किलर लगा दिया हुआ है, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा कान वगैरह खा रही थी। और भाई इसकी लुक चेक करो भाई आप एक बारी। तो चलो गाइस फटाफट से इधर से निकलते हैं, अर्जुन भाई आ रहा बाइक लेके, तो मिलते हैं आपको आगे। सो गाइस फाइनली चेक करो निकल चुके हैं। और भाई कल मेरे साथ ना एक सीन हो गया भाई, जब मैं ना वापस आ रहा था तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मतलब ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। तो जैसे भाई मतलब कि मैंने एक थोड़ा सा टर्न लिया, थोड़ा ऐसे कर्व सी रोड थी, कर्व रोड थी भाई, और मैं था कोई 70-80 की स्पीड में था भाई, तो आगे जगदम भाई घोड़ा आ गया, घोड़ा था पता नहीं गधा था क्या था, तो भाई मरते मरते बचा। तो भाई समझ नहीं आती, इसमें लाइट्स वगैरह लगानी पड़ेंगी कोई बड़ी, जिससे भाई सब कुछ दिखे, इसकी लाइट्स थोड़ी सी कम है लाइट्स भाई। सो गाइस फाइनली हम आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। और भाई कल ना शाम को बारिश हुई थी भाई, जिस वजह से भाई मौसम थोड़ा बहुत ठंडा हो चुका है। तो आज तो भाई कश्मीर वाली साइड में ना बर्फ़ भी पड़ी हुई है, मतलब कि स्नोफॉल वगैरह हुई है पीर की गली वाली साइड, तो उस वजह से भी थोड़ा बहुत मौसम ठंडा है। वैसे तो भाई यहाँ से कश्मीर लगभग 350-400 किलोमीटर दूर है, बट स्टिल अच्छा मौसम हो गया भाई। यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया कोई ना कोई। ओ भाई शिट, वो बंदा बैठा हुआ भाई नीचे, एक्सीडेंट हो गया तकड़ा वाला। ओ भाई खून शून निकल गया भाई बंदे को। ओहो ओ भाई, आज अभी आपने पीछे देखा यार, एक्सीडेंट हुआ वो था भाई का। और यार मतलब कि ना उसके सिर से ब्लड आ रहा था, इसलिए कहते हैं भाई हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर हेलमेट पहनी होती भाई ने भाई को कुछ नहीं होता यार। तो यार प्लीज़ हेलमेट वगैरह पहना करो यार भाई, मतलब कि ना बाइक बेशक आप भाई चाहे 30 लाख की रख लो, चाहे 40 लाख की रख लो भाई, एक अच्छी हेलमेट ले लो, चाहे 2 लाख की बाइक ले लो भाई, KTM की ना ले लो, पर भाई हेलमेट ज़रूरी होनी चाहिए, और वो भी अच्छी। कई बंदे क्या करते हैं भाई, सिर्फ ना चलान वगैरह बचने, मतलब कि चलान वगैरह से बचने के लिए कोई भी हेलमेट ले लेते हैं। ऐसा मत करो यार, अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत किया करो यार। तो हेलमेट वगैरह ज़रूर पहना करो भाई। बाकी मैं तो चाहता हूँ भाई आप सारे राइडिंग गियर्स पहनो, बट अगर नहीं पहनने हैं तो भाई हेलमेट तो मस्ट है, क्योंकि सिर पे लगे ना बंदे की तो भाई बुरी हालत हो जाती है। सो गाइस इधर चेक कर लो भाई, सिद्रा की स्टार्टिंग हो चुकी है और आगे सारे भाई वेट कर रहे हैं। तो चलो थोड़ी थोड़ी बाइक खींचते हैं और चलते हैं उनके पास। बाकी यहाँ चेक करो भाई, पेड़ पूड़ काट के ना रोड पर फेंक दिए हुए भाई, कोई पीछे से तेज़ आ रहा होगा ना सीधा इसी के साथ बजेगा। क्या चीज़ है यार ये BMW यार, अब ना ये मतलब कि पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में आ गई हुई है। मतलब पहले ना कंट्रोल में नहीं चलती थी, अब मतलब इसको ना मैं जैसे 10R को कंट्रोल करता था ना, वैसे ही भाई कंट्रोल कर लेता हूँ। मतलब चाहे जहाँ मर्जी, चाहे व्हीली, चाहे स्टॉप की जो मर्जी हो, बड़ा मज़ा आता है अब इसको, ये इको फ्रेंडली बाइक होगी अब। तो भाई कल के ब्लॉग में मैंने आपको 390 के बारे में अपडेट दी थी ना, तो भाई आज मतलब कि मेरा ना कन्फर्म हो गया हुआ कि भाई मैंने उनसे बात की थी, संडे को, इस संडे को भाई हमारी बाइक की जो है वो डिलीवरी है भाई।
तो मैंने मतलब कि उनसे बात की कि भाई भैया मतलब कि बता दो क्या करना है क्या नहीं। तो उन्होंने बोला संडे को बाइक की डिलीवरी है, तो भाई मज़ा आने वाला काफ़ी ज़्यादा संडे को। तो भाई डिलीवरी नॉर्मली होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा डिलीवरी पे। तो अपने सारे भाइयों वगैरह को लेके जाएंगे, फिर मिलेंगे उनसे। कैसे भाई, ठीक हो? कैसे भाई, ठीक हो भाई, ठीक हो भाई? हाँ हाँ, दो ले लो यार, माइक मिल जाएगा। हाँ, डीवी कलर लगा, वैसे तो आवाज़ आएगी नहीं। हाँ, आप भी ब्लॉगिंग करते हो? क्या बात है। अभी नहीं आएगी, मैंने डीबी कलर लगाया हुआ ना इसमें। कैसे हो भैया, ठीक हो? लिख मैं कैसे हो यासिर भाई, क्या नाम है चैनल का दिखा दो। हाँ जी, आपका भी चैनल है, किस नाम से है? अयान अयान अभिनंदन व्लॉग्स को जाके गाइस सब्सक्राइब करो, ठीक है? हाँ सुन लो सुन लो, दाऊद क्रिएटर को जाके भाई सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? कौन है सब भाई, कौन है? आलियन व्लॉग्स, क्या हाल है? बिग फैन भाई। और भाई क्या, ठीक हो? कहाँ घूम रहे हो भाई? छोटे छोटे सब्सक्राइबर भी घूम रहे हैं, वो यूट्यूबर को एक्सपोज कर रहे हैं। हाँ क्या, वो क्या कर रहे हो, ये मार क्यों रहे हो उसको? बचाओ बचाओ। मोटू भाई छोड़ो, क्या कर रहे हो मोटू भाई? ये बोल रहा है मोटू, इधर से निकल रहे हैं। अलियान चला रहा है भाई मेरी R700 RR, हम चला रहे हैं भाई इसकी हल्क। तो चलो भाई निकालते हैं, शॉकर इसने अभी तक ठीक नहीं कराया भाई, क्या बंदा यार। मेरे पीछे बैठ रहा है गाइस, आज ये बंदा मेरे पीछे बैठ रहा है, मैं इसको रुलाऊंगा कसम से। भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ, भाई क्या हो गया, क्या हुआ, कैसे लगी? हुआ क्या? नहीं चल यार, चल छोड़ यार, छोड़ छोड़ो यार, छोड़ो बैठो यार, और बैठ यार, छोड़ छोड़ ओए भाई। अभी भाई सीन हो गया था, ओ लियान को भाई बिल्कुल ठोक गया होगा था, पता नहीं कैसे बच गया भाई लियान। ओहो भाई मैं तो डर ही गया था। गाइस अभी ना भाई का रिएक्शन लेते हैं, कैसा लगा भाई को? हाँ जी, क्या हुआ, इधर तो आओ। ओ भाई क्या हुआ, हाथ लगाऊं? क्या हुआ, मजा नहीं आया? गलत जगह हाथ लगा रहा हूँ, पूछो क्या हुआ, क्या हुआ भाई? हाँ हुआ क्या, ये तो बताओ यार, ये देख लगी मेरे को। नहीं हुआ क्या, ये हेलमेट के साथ बजे, ये हुआ क्या? मैं मर जाता, मैं मर जाता। आप कैसे मरने थे साले, क्या कर रहा है पता है भाई? वो करता ही नहीं, मेरी कार पीछे मिल गया चोरी की भाई। ऊपर मेरे क्या, वो यार इंडिकेटर टूट गया यार, ये कैसे टूट गया? टच ही नहीं हुई भाई कहीं पे। नहीं नहीं
ये कैसे टूटा यार? इंडिकेटर टूट गया। ओ भाई शिट यार, बाइक है ठुक गई यार, बाइक का इंडिकेटर टूट गया। हाँ टूट गया तो टूट गया, क्या हो गया? बाइक चलती है, टूटती है, क्या हो गया? गाइस बाइक का इंडिकेटर टूट गया। शिट यार, कितने का होगा ये? हाँ 20-30 हजार का तो होगा। चलो कोई नहीं, कराते हैं कुछ ना कुछ। सो गाइस अभी यार राइड का पूरा मूड जो है वो स्पॉइल ही हो गया भाई। एक तो यार अभी मतलब बाइक टूट गई यार भाई, बाइक को थोड़ा सा भी कुछ होना तो बुरा लगता है भाई, तो गलत हो गया यार। मैंने कहा आप बैठो यार, मैं चला घर पे। शिट यार गाइस, मैं ना मतलब कि जब से आया हूँ भाई घर पे, मैं व्लॉग बनाया नहीं। अभी यहाँ पे चल रही है भाई थोड़ी सी प्रिपरेशन, तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ बम लगे, वहाँ पे सारी गाड़ियाँ रही रही भाई, और यहाँ पे रहे भाई अर्जुन भाई। अर्जुन भाई क्या सीन है, क्या हो रहा है? ये अभी एक भाई का बर्थडे है, तो ये सेलिब्रेशन हो रही है भाई, पूरी तैयारी की। चेक करो भाई केक आए हुए अभी, चेक करो, चेक करो, क्या हो गया उनको पता है, वो लाल होने वाला है। कटने वाला केक, तो चलो भाई अभी केक वगैरह काटते हैं फटाफट। चेक करो भाई, क्या बात है भाई, ओ भाई साहब।